का अमल भी रोक दिया गया है। इस वक्त इलीट फोर्स, रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी मौके पर भी पहुंच गई है। मनासिर भी आपको बोल के स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। कशीदगी जो है वो बढ़ती जा रही है और पोलिंग का अमल जो है वो इस वक्त रोक दिया गया है। जफरवाल का हल्का है, ये PP54 है जो आप PP54 में पहुँच गई है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा बोलिए शहजाद हुसैन से। जी शहजाद, बताइएगा इस वक्त क्या मनासिर देख रहे हैं, कशीदगी में इजाफा नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, PP54 तो हल्का है जहाँ पे जिमनी इलेक्शन हो रहे हैं। यहाँ पे इंतहाई अफसोसनाक चार वाकयात जो है वो सामने आए हैं। एक जगह पे जो है का कारकुन जो है 60 साल वो जहाँ भाग हुआ है, दूसरी जगह रजाल में और दायरा बिराल में भी जो है मुस्लिम लीग और PTI और इस्लामी इत्तेहाद कौंसिल के जो है वो आमने सामने है। इसी हवाले से जो SF इकबाल है वफाकी मनसूबा बंदी वो भी यहाँ जफरवाल पहुँच चुके हैं और जो उनके लवाजिन हैं उनसे मिल रहे हैं और अपने कारकुनों को पुरअमर रहने जो है वो तलकीन कर रहे हैं कि आप पुरअमर रहें और इसको रब की निजात जाने, लेकिन किसी किस्म का कोई इश्तियाल नहीं करना। तो यहाँ पे अभी भी हालात जो है इंतहाई कशीदा हैं। पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पे मौका पर मौजूद है, लेकिन हालात कंट्रोल करने में अभी तक जो फोर्सेज हैं वो कामयाब नहीं होंगी। यहाँ पे दारा बिलाल में अभी भी जो है हालात इंतहाई कशीदा हैं। रेंजर की भारी नफरी भी यहाँ पे पहुँच चुकी है, तो अभी पोलिंग का जो अमल है वो भी जो है बंद कर दिया गया है। जी अच्छा शहजाद, पोलिंग का अमल तो अब बंद कर दिया गया है, तो अब पुलिस भी यहाँ पर पहुँच रही है और एलीट फोर्स भी पहुँच रही है, तो हालात बेहतर होंगे फिर कब पोलिंग के अमज गई है। नारवाज से ही एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। PP54 में लीगी कारकुन के जाँ बाग होने का वाकया वफाकी वजीर एहसन इकबाल।